जिले में लंबे समय से नशीली कफ सिरप का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। मुख्यमंत्री की घुड़की के पहले जिले के अधिकारियों को इन मादक पदार्थों की बिक्री और सेवन दिखाई नहीं दे रहा था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पुलिस प्रशासन की नींद खुली तो ताबड़तोड़ कार्यवाही शुरू हुई और नशे के कारोबारी भी पकड़ में आने लगे, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कितनी भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप की बिक्री जिले में हो रही थी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुखबिर तंत्र सक्रिय हो गया और सूचनाएं भी मिलने लगी। इसी तरह की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस ने कोरियर से मंगाई गई भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप बरामद किया है। बताया जाता है कि बदराव कोरियर डिलीवरी लिमिटेड से 4800 सीसी नशीली कफ सिरप जिसकी कीमत 10 लाख रुपए है जब्त किया गया है। थाना प्रभारी सिटी कोतवाली निरीक्षक आदित्य प्रताप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि उक्त कोरियर से गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के लिए नशीली कफ सिरप मंगाई गई है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी के निर्देश पर उप निरीक्षक ललन सिंह नेताम व अन्य पुलिस स्टाफ द्वारा बदराव कोरियर डिलीवरी लिमिटेड में कोरियर के माध्यम से दिल्ली से 40 पेटी में 4800 सीसी नशीली कफ सिरप की खेप को पकड़ लिया गया। पुलिस ने मैनेजर से कड़ाई से पूछताछ की तो जानकारी हुई कि कृष्णा मेडिकल गोविंदगढ़ के नाम पर दिल्ली से उक्त 40 पेटी नशीली कफ सिरप मंगाई गई थी। पुलिस ने आरोपी रावेन कृष्ण यादव पिता राम निरंजन यादव निवासी पीपल चौराहा गोविंदगढ़ के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं के तहत कार्यवाही की है। जैसा कि आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देशित नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने एक हेल्पलाइन नंबर सबके लिए जारी किया था। उस हेल्पलाइन नंबर पर सूचनाएं आना शुरू हुई थी और आज एक व्यक्ति ने फोन कर उस पर सूचना दी। उस सूचना को तस्दीक करने आधे घंटे के अंदर ही कोतवाली की टीम पहुंची और उन्होंने वहां पर 40 पेटी टोरेक्स कफ सिरप जब्त किया है। ये एक कोरियर कंपनी है, प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है, और जो आरोपी है वो राउंड अप कर लिया गया है। इसका पिछला भी रिकॉर्ड इसका टोरेक्स और नशीले पदार्थों को बेचने का है, तो एक अच्छी उपलब्धि इस टीम को मिली है। इसके लिए हम पुलिस हेल्पलाइन पर आए उन व्यक्ति के द्वारा फोन किए गए कॉल को, उन व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं कि सोसाइटी के लिए उन्होंने आगे बढ़ के इतना अच्छा सहयोग किया है। अभी तो ये जानकारी थी कि शहर में आने के पश्चात गोविंदगढ़ में इसकी आपूर्ति होनी थी। गोविंदगढ़ में जो व्यक्ति हैं आरोपी हैं उनकी पूर्व मेडिकल स्टोर थी जो बंद हो चुकी है। पूर्व में उनके द्वारा लगातार टोरेक्स की कार्रवाई उनके ऊपर हुई, इसलिए बंद हुई है। वर्तमान में वो संभवतः कोई घर किराए पर लेकर या किसी अन्य जगह पर छुपकर कार्रवाई अपनी टोरेक्स बेचने वाला काम कर रहे थे। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।